भारत और इंग्लैंड के बीच अब पांचवा टेस्ट मैच खेला जाना है, जिसके लिए टीम इंडिया और टीम इंग्लैंड धर्मशाला में तगड़े से प्रैक्टिस कर रही है। इसी के साथ ही गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन 7 मार्च को धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देंगे। अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के बाद अश्विन होंगे जो 100वें टेस्ट मैच खेलने की उस उपलब्धि को अपने नाम करेंगे, यानी कि तीसरे भारतीय स्पिनर बन जाएंगे। पूर्व क्रिकेटरों ने अश्विन की इस अचीवमेंट के लिए उन्हें सराहना की है, जो कि इन सभी वर्षों में उन्होंने अचीव किया है। अपने T20 गेंदबाजी के लिए फेमस रहते हैं अश्विन, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैचेस के लिए अपनी गेंदबाजी को ढाला है वो काबिले तारीफ है। इस पर भारत के पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवराम कृष्ण ने सम्मान की कमी के लिए अश्विन पर निशाना साधा है। पूर्व भारतीय स्पिनर ने रविचंद्रन अश्विन पर देश के लिए ऐतिहासिक 100वें टेस्ट मैच से पहले उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। इस पर एक पोस्ट में शिव ने लिखा कि अश्विन ने उनकी कॉल काट दी और उनके टेक्स्ट मैसेजेस को भी नजरअंदाज कर दिया। आजकल की लैंग्वेज में इसे घोस्टिंग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बड़े मौके पर ऑफ स्पिनर को अपनी शुभकामनाएं देने की कोशिश करी। शिवराम कृष्ण ने एक्स पर अश्विन की प्रशंसा करते हुए एक पोस्ट का जवाब दिया, उनके 100वें टेस्ट मैच के लिए शुभकामनाएं देने के लिए उन्हें कई बार फोन करने की कोशिश करी, बस मेरा फोन काट दिया। उन्हें एक संदेश भेजा जिसका कोई जवाब नहीं मिला। हम पूर्व क्रिकेटरों का यही सम्मान होता है। इस पोस्ट के बाद ऑनलाइन यूजर्स ने उनकी आलोचना करी। उन्होंने आर अश्विन पर अपनी स्थिति को और साफ करते हुए एक और पोस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने ट्वीट किया कि सम्मान संस्कारी लोगों से ही मिलता है, वैसे मैं पहले उनके एक्शन में मामूली सुधार के बारे में ट्वीट कर रहा था, ना कि उनकी आलोचना कर रहा था, काश लोग समझ जाते। अब आपको क्या लगता है, अश्विन ने क्यों ऐसा किया है, क्या है इसके पीछे वजह, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइफ।